उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान हरिद्वार के खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने धामी सरकार को गिराने के षड्यंत्र का दावा किया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सदन के अंदर जो कहा गया है वह रिकॉर्ड है, जिस पर एजेंसियां जांच जरूर करेंगी। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन के भीतर कहा था कि सानी बिल्डर मर्डर केस में धामी सरकार ने जिस तरह गुप्ता ब्रदर और उनके जीजा के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका बदला लेने के लिए गुप्ता ब्रदर्स 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। अब उन्होंने सदन के अंदर बोला है, प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां और आपके कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है मैंने, विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, जरूर मैं समझता हूँ कि छानबीन होगी। आप लोग देखिए क्या है कि गुप्ता बंधुओं के बारे में समय समय पर उत्तराखंड में किसी न किसी बात को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन दुनिया में उनके क्या कारनामे हैं इसकी यहाँ पर जानकारी किसी को नहीं थी। ओली की शादी दुनिया ने देखी, लेकिन जो वो 391 क्विंटल कचरा छोड़ गए थे जो उत्तराखंडी बाद में साफ करते रहे, उत्तराखंड में एक प्रतिष्ठित व्यापारी सत्येंद्र साहनी जी ने, स्वर्गीय सत्येंद्र साहनी जी ने आत्महत्या की। अपने सुसाइड नोट में वो ये छोड़कर गए लिखकर कि मुझ पर गुप्ता बंधुओं ने अनैतिक दबाव बनाया, राजनीतिक दबाव बनाया, जिसके चलते मैं आत्महत्या कर। पूरी कहानी ये है कि जो दून लेजर वैली, दून लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, वो गुप्ता बंधुओं के जीजा हैं, अनिल गुप्ता उनकी कंपनी है। उस कंपनी के साथ सत्येंद्र साहनी जी ने करार किया था, 30 करोड़ रुपए का उनको भुगतान किया गया था, जिसमें ये लोग 100 करोड़ रुपए वापस मांग रहे थे कि आप 100 लौटाइए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, जिसके चलते सत्येंद्र साहनी ने आत्महत्या की। सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन लोगों के सामने देश दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झुककर सलाम करते थे, आपने उन लोगों को बंद करने की हिम्मत दिखाई। मैं DGP को भी साधुवाद दूंगा कि तमाम दबाव के बावजूद भी आप झुके नहीं और आपने न्याय के लिए कार्य किया। एक कंपनी है गुप्ता बंधुओं की, सहारा कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक, इस बात को आप पत्रकार बंधु भी गौर से सुनिएगा, सहारा कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित है। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इनके खिलाफ जांच खोली हुई है, ब्रिटेन में इनके खिलाफ जांच है, दुबई में इनके खिलाफ जांच है और साउथ अफ्रीका में पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साउथ अफ्रीका के अध्यक्षता में जोंडो आयोग, रेमंड जोंडो हैं जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया और ये लोग दोषी पाए गए। इनके ऊपर एक एडवाइजरी जारी की USA ने, उन्होंने उस एडवाइजरी में साफ साफ कहा कि गुप्ता बंधु स्टेट कैप्चर करने के माहिर हैं, इनको हम अपने देश में प्रतिबंधित करते हैं, आने से ब्लैकलिस्ट करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट करते हैं और स्टेट कैप्चर करके अपने मनमाने काम कराते हैं। सहारा कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कई जगह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में इनके खाते सीज हैं, उसी की सब्सिडरी कंपनी दो देहरादून में काम कर रही हैं, दून लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी बात हेरिटेज एविएशन कंपनी, जिससे कई माननीय यात्रा करते हैं, कुछ फ्री में भी करते हैं, कुछ पैसे दे के भी करते हैं, मैंने भी यात्रा की है लेकिन मेरी सारी यात्राएं पेड हैं, चेक से पेमेंट्स हैं। वो कंपनी आज जनपद के हर जिले में काम कर रही है, स्टेट का सहस्त्रधारा हेलीपैड पूरा पूर्णतः उन्होंने कैप्चर कर लिया है,
उनकी काट, उनका सिस्टम, उनका ऑफिस, उनका सब कुछ वहां पर कार्यरत है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा कंपनियों में लाकर उत्तराखंड में काम किया जा रहा है, इन गुनाहगारों की पनाहगार उत्तराखंड को नहीं होना चाहिए। इन लोगों को पनाह नहीं देनी चाहिए, इन लोगों को नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए, इनकी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा 2010 से लेकर 2018 तक गुप्ता बंधुओं के जीजाओं का जलवा चाहे कोई पार्टी हो उसमें भी रहता है, और जीजाओं का जलवा उत्तराखंड में भी है। उनके जीजा के पास वाई श्रेणी से लेकर जेड श्रेणी की सुरक्षा तक रही। अजय गुप्ता, टोनी गुप्ता, अतुल गुप्ता, तीनों के पास जेड श्रेणी की सुरक्षा रही। जो सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम महोदय के पास है, वो सुरक्षा भी 2018 तक इनके पास रही। ये 2015 के और 16 के जीओ के अनुसार राज्य के विशिष्ट अतिथियों में रहे। इन्हें श्रेणी 3 का दर्जा दिया गया कि जब भी उत्तराखंड के प्रवास पर आएंगे श्रेणी 3 पर रख के राज्य अतिथि होंगे। इसके अलावा इनको समय समय पर हर तरीके की सुविधा सरकार देती रही। सबसे बड़ी बात, जिस समय इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था दुनिया में, ये दुनिया की रेड कॉर्नर नोटिस जब भी जारी होता है, जब आप इंटरपोल आपके खिलाफ जारी करती है, तब भी इनके पास उत्तराखंड में सुरक्षा थी और ये उत्तराखंड में बड़े महफूज थे। तो मेरा इतना ही कहना है कि उत्तराखंड ऐसे गुनाहगारों की पनाह का राज्य ना बने, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। थैंक यू।